हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज लोधी और आज हम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की स्कीम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की भी स्कीम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की स्कीम देखेंगे। आज की जो पहली स्कीम है वो भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में है। आपने कभी सोचा है कि हम लोग एक धड़ाधड़ YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, HD और भी हर चीज़ डिजिटल हो रही है सिटी में, बट वॉट अबाउट गांव का लोग, है ना। जो गांव है उनका लोगों का क्या होता होगा, वो कैसे गवर्नमेंट सर्विस अवेल करते होंगे। एक दूर दराज के एरिया से कहीं उनको जाना पड़ता होगा, कोई भी उनको गवर्नमेंट का फॉर्म सबमिट करना है ना। तो वहाँ पर ऐसी कोई भी सर्विसेज अवेल नहीं करा पाते हैं, बहुत मुश्किल से 2G 3G के नेटवर्क मिल पाते हैं, है ना। ये सारी बातें दुनियादारी की बातें हैं। गवर्नमेंट इस समस्या को डील करने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट लेके आई है। भारत नेट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की बैकबोन है। मतलब गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया में सारी चीज़ों को डिजिटलाइज करना चाह रही है, लेकिन यदि गांव में नेटवर्क ही नहीं होगा, इंटरनेट की कनेक्टिविटी ही नहीं होगी, तो कैसे ये फुलफिल हो पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट भारत नेट प्रोजेक्ट लेके आई है। इसमें गवर्नमेंट जो रूरल लोग हैं उनके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाली है। गवर्नमेंट ये जो प्रोग्राम है 2011 में लेके आई थी। पहले इसका नाम नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क था, लेकिन 2014 में गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया था और इसका नाम भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया था। ये जो प्रोजेक्ट है ये दो दो स्टेप में पूरा किया जाना है ना। दो चरण हैं इसके, दो स्टेप में पूरा होना है। इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट 2011 इस जो प्रोजेक्ट है इसमें गवर्नमेंट सोच रही है कि 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत हैं हम वहाँ तक इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। एक कंपनी है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, तो उसके साथ गवर्नमेंट का टाई अप है। ये लोग मिलके, है ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। गवर्नमेंट ने ये जो प्रोग्राम लिया था दो स्टेप में है। गवर्नमेंट ने सोचा है कि 2.5 लाख जो ग्राम पंचायतें हैं हम उनको कवर करेंगे। जो पहला स्टेप था वो 2011 से चल रहा था, ठीक है, और गवर्नमेंट उसमें 1 लाख ग्राम पंचायत को कवर करने का सोचा था, और जो सेकंड स्टेप है उसमें 1.5। तो इस तरीके से 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत नहीं उनको कवर करने का सोचा गया है। उनमें हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन तैयार करने का सोचा है। गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें जो ग्राम पंचायत होगी वहाँ पे मिनिमम से मिनिमम सोचा है कि 2 से 5 हम वाईफाई हॉटस्पॉट तैयार कर देंगे, या कोई भी एक गाँव है तो वहाँ पर एक सिंगल वाईफाई हॉटस्पॉट तैयार कर दिया जाएगा, ताकि जो गांव के बंदे हैं, जो गांव के यूथ हैं, वो जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं उनको अवेल करा पाएँ। चलिए अब थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि इससे फ़ायदे क्या होने वाले हैं। हालांकि फ़ायदे के लिए तो लिखने के लिए बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, हम और आज आप जुड़े हुए हैं तो इंटरनेट से ही जुड़े हुए हैं, तो इससे फिर फ़ायदे क्या हो जाएंगे ये तो बहुत लंबी कहानी है। फिर भी सुन लें, इससे हमें भारत नेट प्रोजेक्ट से कई सारे फ़ायदे हो जाएंगे गाँव के लोगों के लिए। सबसे पहली बात, इससे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा गाँव के लोगों का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के और नए मतलब जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अब सोच लीजिए, कोई भी एक नेट कनेक्शन लेके बैठ गया है और फिर वो गवर्नमेंट के है ना, कोई भी ऑनलाइन कैफ़े खोल के बैठ गया है, बेसिक लेवल पे ही, है ना, 10वीं 12वीं की मार्कशीट के ही फॉर्म सबमिट करे जा रहे हैं, कुछ भी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है। तीसरी बात, गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इन इंडिया, ये सारी जो स्कीम चल रही हैं इनको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। GDP बढ़ जाएगी हमारी। गवर्नमेंट जो ई गवर्नेंस करना चाह रही है वो एक अच्छे से वर्क करने लगेगा। गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज हैं वो गांव के बंदे बहुत अच्छे से अवेल करा पाएंगे। ई गवर्नेंस, ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ जाएगा। तो समझ रहे हैं कितनी मज़ेदार बातें हैं। ये स्कीम पूछी जा सकती है, इसलिए हम ध्यान से फोकस कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो दुनिया का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है। अब ये जो भारत नेट प्रोजेक्ट है हमने पूरा सुन लिया। अब इसकी जो फंडिंग है वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के थ्रू की जाएगी। थोड़ी सी बात इसके बारे में ही सुन लें। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फंड बनाया है, और इसका काम क्या होता है, जो रूरल प्रोजेक्ट रहते हैं जो कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो फंडिंग होती है वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से की जाती है। होता क्या है कि जो हमारी टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनी है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, उन पर चार्ज लगाया जाता है। जो भी हमारे ने वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, जियो, ये सब लोग हैं, इन पर यूनिवर्सल एक्सेस लेवी, है ना, चार्ज की जाती है।
और जो पैसा इकट्ठा होता है वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में पहुंच जाता है, जिसके द्वारा ये गांव के जो भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं उनके लिए फंडिंग होती है। तो दोस्तों ये था हमारा भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में, पूछा जा सकता है भारत माला, भारत नेट, है ना। तो ध्यान रखिएगा, भारत नेट ना बोलें आप, इसको भारत इंटरनेट बोलें। हाँ दोस्तों एक बात और बताना भूल गया कि नॉर्मली हमारी कंट्री में हम इंडिया बोलते हैं, भारत कब बोला जाता है? भारत एक नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जो ट्रेडिशनल चीज़ों से जुड़े हुए हैं वो इंडिया को भारत कहना पसंद करते हैं, और इसका नाम भारत नेट प्रोजेक्ट है। तो जैसे ही भारत नेट प्रोजेक्ट सपोज़ करिए आता है तो आपको क्लिक होना चाहिए कि भारत मतलब गांव में नेट, भारत नेट, है ना। तो आपको क्लिक कर जाएगा कि विलेज में इंटरनेट कनेक्टिविटी का ये प्रोजेक्ट है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगली स्कीम संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के बारे में है। संपूर्ण मतलब कंप्लीट, ग्राम मतलब विलेज, बीमा योजना, है ना। पूरे के पूरे गांव का हमको बीमा करना है, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की ये स्कीम है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। इसमें ये पूरे के पूरे गांव का बीमा करने की एक योजना होती है, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत आती है, और इसका काम क्या है, जो रूरल पीपल हैं उनको जनरली बीमा हो नहीं पाता है, तो अपनी जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है वो चाह रही है कि जो रूरल पीपल हैं उनको भी हम अफोर्डेबल रेट पर लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज दे पाएँ, ठीक है। इसमें जो संपूर्ण बीमा ग्राम योजना है इसका मकसद ये है कि हमारी कंट्री के हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम एक गांव ऐसा होना चाहिए जहां पर हर हाउस होल्ड से एटलीस्ट एक बंदा, जिसका हम PLI मतलब PLI बोले तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम जरूर करेंगे। समझ में आ गई बात, यही इसकी कोर पॉइंट था, ध्यान रखिएगा। फिर से बोलता हूँ, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना में 100 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, सॉरी 100 डिस्ट्रिक्ट नहीं, हमारी कंट्री की जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से हर डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम एक विलेज सेलेक्ट किया जाएगा, और उस विलेज का मिनिमम हर घर से एक बंदा होना चाहिए जिसका रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, उसके पास पॉलिसी होना चाहिए, और ये कौन करेगा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। चलिए अब इसके बाद थोड़ी सी बातें और ये हैं कि जो मल्होत्रा कमेटी थी 1995 में, 1995 में ये मल्होत्रा कमेटी सेट की गई थी, तो उसने रिकमेंडेशन दी थी, उस बेस पे ये लाया गया था, है ना। तो ये था हमारा संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के बारे में। बाकी सारी बातें आप मतलब सिंपल ही हैं, है ना। ऐसे लोग जो गांव में रह रहे हैं उनका बीमा करना है, और जो कोर पॉइंट है जो कि इस जो टेक्स्ट है मेरे सामने, है ना, इसमें भी थोड़ा उसका फॉन्ट अलग दिया हुआ है, तो आप उसको टिक करके पढ़ लीजिएगा, मैंने बता दिया है ना। हर मिनिमम एक गांव सेलेक्ट करना है, और उस गांव से हर घर से मिनिमम एक बंदा सेलेक्ट करना है जिसके पास पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। थोड़ी सी बात पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सुन लीजिए। 1884 में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस शुरू किया गया था। इसका बिगनिंग कितने से इंश्योरेंस कर रहे थे, मैक्सिमम कितना था, ये बातें काम की नहीं है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है कि ये गांव खेड़ों में ही पड़ा हुआ है, इसने कई सारे और भी लोग कवर कर रखे हैं, जैसे कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल और जो आपके PSU हैं, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनलाइज बैंक, लोकल बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी, जॉइंट वेंचर, तो ये सबको पैसा दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा माइंड में कोई कॉन्सेप्ट मत बनाइएगा कि पोस्टल मतलब गांव, नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो ये था हमारा संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के बारे में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगली स्कीम दीनदयाल स्पर्श योजना है। स्पर्श का मतलब है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज ए हॉबी, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत ये स्कीम लाई गई है, और हम पढ़ रहे हैं दीनदयाल स्पर्श योजना। इसमें गवर्नमेंट जो 6th क्लास से 9th क्लास के बच्चे हैं जो पढ़ाई में अच्छे हैं, और जिन्होंने फिलाटेली मतलब जो डाक टिकट संग्रह करने की किसी की हॉबी होती है, दैट इज़ कॉल्ड फिलाटेली, है ना। तो फिलाटेली को एज ए हॉबी यदि किसी की है, 6th से 9th क्लास का ऐसे बच्चे जिनकी फिलाटेली हॉबी है, उनको एक कॉम्पिटेटिव सिलेक्शन करके उन्हें दीनदयाल स्पर्श योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें होने वाला क्या है, स्पर्श का मतलब है स्कॉलरशिप, है ना। तो इसमें जो 6th से 9th क्लास के बच्चे हैं जिनका फिलाटेली में हॉबी है, पढ़ाई में अच्छे हैं, उनको पैसे दिए जाने वाले हैं। स्पर्श का
फुल फॉर्म फिर से सुने, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च, है ना। तो जो बच्चे स्टाम्प कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, फिलाटेली उनकी हॉबी है, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ऐसे बच्चे 6 to 9 क्लास के होना चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और उनकी हॉबी होना चाहिए फिलाटेली। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने आगे ये बातें दी गई हैं कि कैसे उस बच्चे का सिलेक्शन किया जाना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि बच्चे को एक ऐसे स्कूल से पढ़ना चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड हो, उसमें फिलैटेली क्लब होना चाहिए और बच्चा उस फिलैटेली क्लब का मेंबर होना चाहिए, और इनके फिलैटेली क्लब का मेंबर नहीं है तो उसका फिलैटेली डिपॉजिट अकाउंट होना चाहिए। कुछ नहीं होता, ये फिलैटेली डिपॉजिट अकाउंट 200 रुपये में खुल जाता है, है ना, सिंपल सी बातें हैं। तो ये कंडीशन के साथ, सिंपल सी बात इसकी यही है, दीनदयाल स्पर्श योजना, इसमें स्पर्श का मतलब आप ध्यान से पढ़ लें, बस आपको स्कीम समझ में आ जाएगी। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज ए हॉबी, है ना। तो जो फिलैटेली, जो स्टाम्प एज ए हॉबी में लगे हुए बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जाने वाली है। ये एक पान इंडिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम है स्कूल के बच्चों के लिए जो कि 6 to 9 क्लास के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की स्कीम देखेंगे। सबसे पहली स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में है। इधर पे एक बात कहना थी कि ये सारी जो स्कीम है अभी जो आने वाली हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में, मैं ये स्कीम वेरियस सेगमेंट में डिस्कस कर चुका हूँ, तो हम ये सभी वीडियो को वहाँ से एडिट करेंगे और जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की स्कीम रह जाएंगी वो सभी स्कीम मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज लोधी। आज है 4 अप्रैल, हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में है। हम शाम को भी स्कीम डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पर से भी हमको ये स्कीम कवर करना थी, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और ये पहले भी पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो सुनिए, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सबसे पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत आती है, ठीक है। 2016 में गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था। पहले से जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की स्कीम चल रही थी उनको इसमें मर्ज कर दी गई दो स्कीम, एक तो आपका नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम थी, ठीक है, और एक और थी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम इंश्योरेंस स्कीम। तो ये दोनों स्कीम को मर्ज करके गवर्नमेंट ये नई स्कीम लेके आई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या प्रधानमंत्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। इसके बाद ये जो स्कीम है इसमें गवर्नमेंट ने जो क्रॉप है उसके इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम रखा है वो काफ़ी कम है, इसमें 2% 5%, है ना। तो आपका जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, उसने पान इंडिया बेसिस पे, मतलब ऑल ओवर इंडिया में क्रॉप इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम रेट्स हैं वो एक ही रखे गए हैं, ठीक है। कहीं भी कोई चेंजेस नहीं है कि सीजी में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, सभी के लिए एक ही प्रीमियम रेट्स रखे गए हैं। आपकी जो खरीफ क्रॉप्स हैं उसके लिए 2% प्रीमियम का रेट रखा गया है, और जो रबी क्रॉप्स हैं उनके लिए 1.5, और जो कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं उनके लिए प्रीमियम 5% रेट रखा गया है। काफ़ी कम है तो जो किसान हैं वो इसको आसानी से भर पाएंगे, है ना। इसके बाद गवर्नमेंट ने आगे की बात यह है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये ऐसे किसान जिन्होंने केसीसी के माध्यम से क्रॉप लोन ले रखा है, केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड से क्रॉप लोन ले रखा है, तो उनको ये बिल्कुल ज़रूरी है कि वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लें। लेकिन ऐसे किसान जिन्होंने कोई लोन नहीं ले रखा है तो वो भी वॉलंटरी बेस पे ये फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं, और ऐसे किसान जिन्होंने किसी की ज़मीन को पट्टे पर ले रखा है साल भर का एग्रीमेंट करके, तो उनको भी इस स्कीम का लाभ मिल जाएगा, ठीक है। इसमें पहले क्या करती थी कि जो बीमा रहता था तो इस पर कैप लगा के रखती थी, उनको किसानों को पूरा बीमा नहीं मिल पाता था, तो इस बार गवर्नमेंट दिल खोल के आ गई है, ठीक है। तो इस बार किसानों को पूरी बीमा राशि मिल जाएगी, डायरेक्टली उनके DBT के थ्रू उनके अकाउंट में पहुंच जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने इस स्कीम में 1 crop 1 rate, है ना, एक फसल के लिए एक रेट रखने की बात की गई। हमने बताया कि जो रबी की फसल है उनके लिए अलग रखा गया है, कितना था, रबी की फसल के लिए 1.5 था, खरीफ के लिए 2 था, और हॉर्टिकल्चर और जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनके लिए 5% है। इसके बाद गवर्नमेंट ने कई सारी जो कमेटी हैं, है ना, जो परेशानी आ जाती हैं तो उस दौरान कई सारी चीज़ों को इसमें गवर्नमेंट ने कवर किया है, जैसे कि आपका ड्रॉट है, ड्राई स्पेल, फ्लड, इनंडेशन, पेस्ट डिसीज, लैंडस्लाइड, फायर, लाइटनिंग, हेल स्टॉर्म, साइक्लोन, हरिकेन, है ना। तो ये सारी चीज़ें कवर की गई हैं, मतलब बहुत वाइड रेंज में जो कमेटी हैं उनको कवर किया गया है कि किसी भी कारण से यदि फसल का नुकसान है
तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, आपका है ना इंश्योरेंस का आपको पूरा का पूरा कवर दिया जाएगा। इसमें एक बात और भी है कि पोस्ट हार्वेस्ट भी जो 15 डेज है उसमें भी गवर्नमेंट ने कवर किया हुआ है। क्या मतलब हुआ? देखिए, फसल की 3 स्टेप होती हैं। एक तो आपने फसल बो दी, ठीक है, फिर एक सेकंड स्टेज है फसल तैयार हो रही है, और तीसरी हो रही है कटाई। ठीक है, अब फसल कट गई है, इसके बावजूद भी कोई लॉस हो गया, मान लीजिए आप उसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या मान लीजिए आपकी फसल जो कट गई है लेकिन वो खेत में ही पड़ी हुई है और फिर उस पर बहुत मूसलाधार बारिश हो गई, तो वो तो सड़ जाएगी ना। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने पोस्ट हार्वेस्ट जो फसल है उनके नुकसान पे भी किया है। इसके बाद आपने खेत बो दिया और मान लीजिए आपने उसमें खेत में बीज डाल दिया है, लेकिन वो जो बीज है वो निकला ही नहीं, है ना, या मान लीजिए बहुत कम रेशियो में निकला, तो ये भी एक टाइप का क्रॉप लॉस है ना। तो क्रॉप के ड्यूरिंग में, मतलब जब आप वो फसल तैयार हो रही है उसको भी रखा गया है, पोस्ट हार्वेस्ट को रखा गया है, और काफ़ी वाइड रेंज में इसमें जो कमिटी है उनको कवर किया गया है, ताकि हर हालत में किसान को फसल बीमा मिल ही जाए, है ना, और प्रीमियम रेट बहुत कम रखे गए हैं इस बार, ताकि जो किसान हैं उनको फ़ायदा मिल सके। इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है वो इसको इम्प्लीमेंट कराती है। हर एक स्टेट गवर्नमेंट कोई भी जो इंश्योरेंस एजेंसी है और उनको पकड़ लेती है, बिडिंग के माध्यम से सिलेक्ट करती है ना, और फिर आपका वो जो इंश्योरेंस कंपनी रहती है वो इम्प्लीमेंटेशन करवाती है इंश्योरेंस का काम, है ना। इसके बाद गवर्नमेंट ने इसमें टेक्नोलॉजी की भी हेल्प ले रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। मान लीजिए किसी किसान का फसल लॉस हो गया है, क्रॉप लॉस हो गया है, तो वो स्मार्टफोन का यूज़ करके जो क्रॉप लॉस के जो भी पिक्चर्स हैं वो अपलोड कर देगा, तो ऐसे में उसको क्लेम बहुत जल्दी से मिल जाएंगे। इसके बाद गवर्नमेंट इसमें रिमोट सेंसिंग का यूज़ कर रही है, ये एक बहुत अच्छी बात है कि अब रिमोट सेंसिंग लेवल पे इंडिया में बातें हो रही हैं, मुझे बहुत खुशी होती है ना। तो सैटेलाइट के माध्यम से भी गवर्नमेंट रिमोट सेंसिंग करके ये सब पता करेगी, और इसमें फार्म लेवल असेसमेंट की भी बात की गई है, खेतों पर जाके भी असेसमेंट किया जाएगा। इसके बाद ये पूरी पूरी कहानी थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, ठीक है, सब दिया हुआ है और आप लोग पढ़ लीजिएगा। इधर पे एक बात और, रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं और खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं। देखिए, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। क्या है कि यूपीएससी ऐसी हरकतें भी करती रहती है। 2013-14 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि रबी फसल है या खरीफ की फसल है, कॉटन किस में आता है, गन्ना किस में आता है। अभी मैं आपसे पूछूं शायद आप भी कंफ्यूज हो जाएं, है ना। तो ऐसा है कि सर पे सींग नहीं लगाना है, यूपीएससी की तैयारी करना है, बेसिक ज़रूर पढ़ लेना है ना। तो रबी फसल में आपके गेहूँ, चना, मसूर, मटर, सरसों, जौ, ओट, कैरेट, टोमेटो, पोटैटो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और खरीफ में धान, सोयाबीन, ज्वार, मक्का, बाजरा, ग्राउंड नट, कॉटन, मिलेट, मूंग, उड़द, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, यूपीएससी ने मेरे ख्याल से 2015 में भी एक क्वेश्चन पूछा था खेती से, कि जब आप खेत बो रहे हैं, है ना, ट्रैक्टर से आप कल्टीवेटर चला रहे हैं, तो खेतों के, मतलब आपकी मशीन के पीछे एक पक्षी उड़ता रहता है, और जो जो कीटनाशक हैं, कीटनाशक नहीं, मतलब जो कीड़े निकलते हैं उनको खाता रहता है, तो वो कौन सा पक्षी रहता है ना। तो यूपीएससी कहाँ से क्या क्वेश्चन लेके आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, है ना। उसका आंसर बहरहाल मैना था, उसने ऑप्शन में सारस, क्रेन, इस टाइप से दे रखे थे, है ना। तो ये, मतलब हमें कुछ भी पढ़ना है, स्कीम भी पढ़ना है, लेकिन बेसिक ज़रूर पढ़ना है ना। तो ये था हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, हम वन बाय वन करके सारी गवर्नमेंट की स्कीम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की स्कीम डिस्कस करेंगे। इनमें जो सबसे पहली स्कीम है वो है सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में। तो देखिए, सॉयल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है वो 2015 में गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, राजस्थान से इसे शुरू किया गया था। क्या है कि जो किसान लोग हैं जब वो खेती करते हैं, तो जो पेस्टिसाइड्स हैं, यूरिया है, जो उनके खेतों में वो डालते हैं, तो वो बहुत गलत प्रोपोर्शन में डाल देते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो न्यूट्रिएंट रहते हैं वो एक्सेस हो जाते हैं, और कभी कुछ पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट रहते हैं वो डेफिशिएंट रह जाते हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी, जिसका नाम था सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो इसमें क्या रहता है, जो सॉयल रहती है किसी पर्टिकुलर खेत की, उसकी टेस्टिंग की जाती है, और उसमें ये पता लगाया जाता है कि कौन से न्यूट्रिएंट का क्या लेवल है, और फिर अप्रोप्रिएट डोजेज यूज़ किए जाते हैं उन न्यूट्रिएंट को फुलफिल करने के लिए, ताकि जो सॉयल है उसकी हेल्थ एंड फर्टिलिटी बनी रहे। ठीक है, तो हेल्थ कार्ड इशू किए जाते हैं, इसी को बोला जाता है सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम। हर 3 साल में ये एक बार इशू किया जाता है सॉयल हेल्थ कार्ड।
और मैंने ये बताया कि जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है या कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट एक्सेस कंडीशन में है तो उसको अप्रोप्रिएट डोसेज देके उसको फुलफिल किया जा सके। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का जो फर्स्ट फेज था वो 2015 से 17 के बीच में था, और अभी जो सेकेंड फेज़ है वो 1 मई 2017 से स्टार्ट हुआ है और जो कि 2019 तक चलेगा। इसमें एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है इनका जो शेयरिंग है वो 50-50 के प्रोपोर्शन में है, मतलब जो भी इस स्कीम में जो भी खर्च आने वाला है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 50% और 50% आपका स्टेट गवर्नमेंट अपना पैसा इसमें दोनों देंगे। ठीक है, ये था सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन, चलिए शुरू से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की स्कीम देखी थी, इसमें सबसे पहले हमने भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि जो भारत नेट प्रोजेक्ट है इसको नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी कहते थे। 2011 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और 2014 में गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल के भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया था। हमने इसमें बताया था कि जो ये प्रोजेक्ट है इसके तहत रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर, है ना, ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। हमने ये भी बताया था कि ये स्कीम यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इसको फंडिंग दे रहा है। हमने बताया था कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में जो पैसा रहता है वो जो टेलीकॉम ऑपरेटर रहते हैं उनके ऊपर लेवी लगा के आ जाता है। इसके बाद फिर हमने आगे संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने बताया था कि जो आपकी PLI है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, वो कुछ हमारी कंट्री के हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम एक विलेज ऐसा सिलेक्ट करेगी, ठीक है, जिसमें कम से कम 100 हाउस होल्ड होना चाहिए और उन 100 हाउस होल्ड में से हर घर में से एक बंदा होना चाहिए जिसका पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस किया जाएगा। ये जो स्कीम थी मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पे लाई गई थी। इसके बाद हमने दीनदयाल स्पर्श योजना का योजना के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था योजना स्पर्श का मतलब सॉरी इसके बाद हमने दीनदयाल स्पर्श योजना के बारे में डिस्कस किया था। स्पर्श का मतलब था स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज ए हॉबी। हमने बताया था कि जो 6 to 9 क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, और जिनको जिनकी जो हॉबी है वो फ्लैटली है स्टाम्प का कलेक्ट करना है, तो गवर्नमेंट इनको स्कॉलरशिप देने वाली थी, ठीक है, ताकि उनमें जो एप्टीट्यूड है और जो रिसर्च है फ्लैटली में वो इसको और ज़्यादा बढ़ा सकें। और दोस्तों फिर इसके बाद हमने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम डिस्कस की थी, जिसमें हमने सबसे पहली स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किया था, जिसमें हमने बताया था कि गवर्नमेंट ने पान इंडिया बेस पे सभी जो क्रॉप्स हैं उनके लिए पान इंडिया बेस पे एक ही प्रीमियम रेट रखा है। जैसे कि आपका 1.5 रबी क्रॉप्स के लिए था, 2% आपका खरीफ क्रॉप्स के लिए था, और जो 5% था वो आपका जो हॉर्टिकल्चर और कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनके लिए रखा गया था। इसके बाद हमने ये भी बात की थी कि ये गवर्नमेंट की जो ऑलरेडी स्कीम चल रही है उन सबको मर्ज करके बनाया गया था और गवर्नमेंट इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी सब यूज़ भी करने वाली है। और हमने ये भी बताया था कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसमें काफ़ी वाइड रेंज में जो डिज़ास्टर हैं उनको कवर किया गया है, पोस्ट हार्वेस्ट यदि क्रॉप को कोई लॉस होता है तो वो सब भी बातें इसमें कवर की गई थी। और फिर इसके बाद हमने आज सबसे लास्ट में सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में डिस्कस किया, जिसमें मैंने बताया था कि जो विलेज रूरल रहते हैं ना, ग्रामीण लोग रहते हैं, कृषक लोग रहते हैं, वो बहुत गलत तरीके से पेस्टिसाइड और जो भी यूरिया वगैरह रहता है वो, है ना, पोटाश रहता है, तो सब उनके खेत में गलत तरीके से यूज़ करते हैं, इससे जो सॉयल की हेल्थ रहती है वो गड़बड़ा जाती है और फिर उनको प्रॉपर तरीके से क्रॉप नहीं मिल पाते हैं, है ना, तो इसलिए क्रॉप सॉयल की हेल्थ को टेस्ट लगाने के लिए ये सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की गई थी, है ना। हर 3 साल में सॉयल हेल्थ कार्ड इशू किए जाते हैं और मैंने इसमें एक बात ये भी बताई थी कि जो गवर्नमेंट है वो 50-50 की शेयरिंग कर रही है, मतलब 50% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% आपकी स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन और फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।